આજે જામનગર ખંભાળિયા હાઈવે પર આરાધના ધામ નજીકથી 88 કરોડથી વધુની બજાર કિંમતનો ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાતા ખળભળાટ થયો છે। દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના પોલીસ વડા સુનિલ જોશીની આગેવાનીમાં એલસીબી એસઓજી સહિતની પોલીસ ટુકડીઓએ હેરોઇન ડ્રગ્સના વિપુલ જથ્થા સાથે એક મહારાષ્ટ્રીયન શખ્સની અટકાયત કરી છે। આ પછી રાજકોટ રેન્જ આઈજી સંદીપસિંહ પણ ખંભાળિયા દોડી આવ્યા હતા। તેમણે પત્રકાર પરિષદમાં સમગ્ર મામલે માહિતી આપી હતી। આ નશાના નેટવર્કની વધુ કડીઓ ખુલતા સલાયામાંથી પણ અંદાજે 100 કરોડની કિંમતનો ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો હોવાના અહેવાલ છે। એટલે કે એક જ દિવસમાં દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાંથી ₹200 કરોડથી વધુની કિંમતનું ડ્રગ્સ ઝડપાતા પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે। આ પ્રકરણમાં વધુ ગહન તપાસથી ડ્રગ્સના અબજો રૂપિયાના રેકેટનો પર્દાફાશ થવાની શક્યતા છે। કરોડોનું ડ્રગ્સ ઝડપાવાની આજની ઘટના માત્ર હાલાર જ નહીં પરંતુ સમગ્ર રાજ્યમાં ચર્ચાસ્પદ બની છે। આપણે ગુજરાત રાજ્ય મે જો યુવાન હૈ ઓર યા જો લોગ ડ્રગ્સ કા સેવન કરતે હૈ, ડ્રગ્સ કા જો ભી ગેરકાયદેસર હેરાફેરી હોતી હૈ ઉસકો રોકને કે લિયે ગુજરાત રાજ્ય કે માન્ય મુખ્યમંત્રી દ્વારા, ગુજરાત રાજ્ય કે માન્ય ગૃહ રાજ્ય મંત્રી દ્વારા કડક સૂચના દી ગઈ થી। ઉસકે સાથ સાથ કોસ્ટલ એરિયા કોઈ ભી સિક્યોરિટી કો ધ્યાન મે રખ કે કાર્રવાઈ કરને કી સૂચના દી ગઈ થી, જિસકે અનુસંધાન મે ગુજરાત રાજ્ય કે ડીજીપી શ્રી આશીષ ભાટિયા સાહેબ કે દ્વારા ડ્રાઈવ કા ભી આયોજન કરા ગયા થા। ઓર ઉસકે ઉપરાંત કોસ્ટલ સિક્યોરિટી કી છોટી છોટી બાતે જો સિક્યોરિટી કી સુરક્ષા કો ધ્યાન મે રખ કે બનાઈ જાતી હૈ उनको ऊपर कार्रवाई करने की सूचना दी गई थी, जिसके अनुसंधान में काफी समय से देवभूमि द्वारका, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दरिया विस्तार से घिरा हुआ जिला है, इसके चारों तरफ दरिया है और उसको सुरक्षित रखने के लिए एसपी के द्वारा एक्शन प्लान बनाया गया था। काफी समय से खूब अच्छी कामगिरी की करी जा रही थी और कल शाम को पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक आदमी जिसकी हलचल जो है वो थोड़ी शंकास्पद है, उसका मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है और वो यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं। उसका वर्णन के आधार पे पुलिस ने उसको आराधना धाम के पास से डिटेन किया। उसके पास 3 बैग थे, 3 बैग का कायदेसर का पंचनामा करके और उसकी पूछताछ किया और उसकी जब झड़ती करी सर्च किया तो उसमें 11 किलो और 483 ग्राम हीरोइन उसके पास से जब्त हुई, 6 किलो और 168 ग्राम जो है MD ड्रग्स मिली। टोटल ये 17 किलो 651 ग्राम हुआ, जिसकी कीमत जो है वो 88 करोड़ 25 लाख और 50 हजार रुपया है। ये जो माल मिला ये छोटे छोटे 19 बैग में था, उसमें से रिकवर हुआ। उसकी जब आगे पूछताछ हुई कि वो कहाँ का रहने वाला है और कब आया था और कहाँ जाने वाला है, तब उसने अपना नाम जो है शहजाद गोशी बताया। वो सागबाजी का व्यापार करता है और वो थाने से 2-3 दिन पहले खंबालिया आया था और कंसाइनमेंट लेके वापस थाने जाने वाला था। उसके बाद उसने ये बताया कि ये कंसाइनमेंट उसने सलाया गांव के अपने सलीम कारा और अली कारा नाम के 2 आदमियों के पास से लिया है। उसके अनुसंधान में पुलिस ने आज उन लोगों को डिटेन किया और उनके घर का जब सर्च किया, वो प्रोसीजर अभी भी चल रहा है, तो उसमें लगभग 47 जितने दूसरे इसी टाइप के पैकेट जो हैं वो मिले हैं। उनके अंदर क्या पदार्थ है, वो कितने किलो का है, क्या उसकी कीमत है, वो विगत भी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करी जाएगी। ये प्राथमिक ऐसा पता चला है कि दरिया मार्ग से सी रूट से ये माल आया है और इसको मंगाने वाले सलीम कारा और अली कारा है। इनका भूतकाल भी जो है वो इस टाइप के गुनाहों से कनेक्टेड है। इसका हर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे इन्वेस्टिगेशन सीधा SP साहब की देखरेख में करा जा रहा है। माननीय DGP साहब ने पूरी टीम को और माननीय गृह राज्य मंत्री ने पूरी टीम को अभिनंदन दिया है और DG साहब ने एक रिवार्ड प्रपोजल बना के भेजने का भी मेरे को सूचना दी है, वो कार्रवाई भी करी जाएगी। इसके अलावा ये लोकल पुलिस, केवल लोकल पुलिस की अपनी मेहनत से पकड़ा गया बहुत ही बड़ा कंसाइनमेंट है, जिसके लिए मैं SP श्री सुनील जोशी को और उनकी टीम को अभिनंदन देता हूँ। ये जत्था जो, जैसे मैंने बताया कि जो 17 किलो और 651 ग्राम है वो मुंबई जाने वाला था और प्राथमिक पूछताछ में लग रहा है कि ये जो है सी रूट से आया तो पाकिस्तान से आया है और इसकी आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और जो बाकी का कंसाइनमेंट अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है वो कहाँ जाना था वो भी तपास की जाए।